Now let's see how to solve the upstream downstream type of problems in linear equations in two variables. पहले तो हम ये समझते हैं कि upstream और downstream का meaning क्या होता है. Stream का मतलब होता है पानी का बहाव या फिर हवा का बहाव. अगर stream of water और stream of wind is moving in the west direction और बोट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो ये अपस्ट्रीम कहलाएगा, मतलब अगेंस्ट द विंड और अगेंस्ट द वाटर. अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो इट इज नोन एज अपस्ट्रीम, और जब उसी फ्लो के साथ साथ हम जाते हैं तो इट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम. ये हवा के साथ भी हो सकता है कि हवा इस तरफ जा रही है और मोटरसाइकिल जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इट वुड बी अपस्ट्रीम. एंड इफ द विंड इज फ्लोइंग in the same direction and the bike is also moving in the same direction, it is known as downstream. तो किसी भी current के साथ साथ move करना is known as downstream and उसके against move करना is known as upstream. ये basically speed time problem ही होता है क्योंकि इसमें speed में फर्क आ जाता है. For the matter of convenience, always take the speed of boat or the bike जो चल रही है उसकी speed हमेशा हम x लेंगे. ये जो प्रोटोकॉल है ये हमेशा फॉलो करो, इससे आपको हमेशा इजी होगा. स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ बाइक या स्पीड ऑफ मैन स्विमिंग इन वाटर वो आप एक्स लो. दिस इज द स्पीड इन स्टिल वाटर और द स्टिल विंड. तो स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन इज एक्स इन स्टिल वाटर, ओके. एंड द स्पीड ऑफ विंड वुड बी और द स्पीड ऑफ वाटर वुड बी स्पीड ऑफ स्ट्रीम वुड बी वाई. हमेशा ये आप वेरिएबल इसी तरीके से लो तो उससे आपको कन्वीनियंस होगा. जब भी कोई मैन अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विम कर रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस y. उसकी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि अगर सपोज वो आदमी ऐसे स्विम कर रहा है और स्ट्रीम जो है वो y की स्पीड से वापस जा रही है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, x माइनस y हो जाएगी. सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में अगर फ्लो भी इस तरफ है करेंट का और मैन भी इधर ही स्विम कर रहा है तो की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई. दिस इज द स्पीड एंड नॉट द टाइम एंड नॉट द डिस्टेंस. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द स्पीड. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. इन दिस वी विल कम अक्रॉस 3 थिंग्स. वन इज द डिस्टेंस, वन इज द टाइम एंड वन इज द स्पीड. So it's better to make a column for upstream and downstream both. आप इस तरीके का अगर arrangement करोगे तो आपको बहुत easily solve हो जाएगा. अब आप देखो downstream का जो distance है वो 20 किलोमीटर है. 20 किलोमीटर is the downstream distance and the time is 2 hours. और upstream का जो distance है वो 4 किलोमीटर है. 4 किलोमीटर in 2 hours. आपको पता है upstream की speed होती है x माइनस वाई एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई. तो ये आपने ये टेबल फिल कर लिया. अब आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम. तो आप सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो. एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, इट मीन्स x माइनस वाई इन टू 2. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और इट विल बी x माइनस y इज इक्वल टू 2. एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन बन गई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो इट वुड बी x प्लस y इज इक्वल टू 10. सो आपको ये दो इक्वेशन मिल गई है. तो अगर आप इस तरीके का अरेंजमेंट करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा. आपको याद रखना है कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो x माइनस y होती है और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो x प्लस y होती है.